अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल सैयदास किचन। आज मैं आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाना सिखा रही हूँ, जो कि आप अक्सर दही बड़ों में और छोलों में और मुख्तलिफ चीज़ों में डाल के खा सकते हैं और बच्चों को बहुत पसंद होती है, मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है, तो मैं अपने घर में अक्सर व बेशतर बनाती रहती हूँ। तो आज हम इसकी छोटी सी रेसिपी है, हम ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम जिन चीज़ों की ज़रूरत है हमें, ये एक पाव इमली का गाढ़ा गाढ़ा पल्प है और इसके साथ ये है गुड़ वाली शक्कर। मुझे जो है वो ब्राउन गुड़ नहीं मिला तो मैंने ये वाला गुड़ ले लिया है। ये जो है तकरीबन एक कप है, लेकिन आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा मीठा खाया जाता है तो मैं ज़रा ज़्यादा ही डालती हूँ। उसके साथ हमें जो मसाले चाहिए वो है सौंठ आधा चाय का चम्मच, भुना और कुटा ज़ीरा एक चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक चाय का चम्मच, काला नमक एक चाय का चम्मच और नॉर्मल सॉल्ट हाफ टी स्पून। हम इन सारी चीज़ों को अब हम जो है इमली के पल्प को पतीली में डाल के और हम इसको गाढ़ा करना शुरू करेंगे और ये सारी चीज़ें इसमें डालेंगे और इसको पकाना शुरू करेंगे। और ये कितना गाढ़ा रखना है मैं आपको ये बताऊँ। ये इमली का पल्प जाएगा इस पतीली में। और इसमें थोड़ा सा बॉयल आएगा तो हम इसमें शक्कर और बाकी मसाले डालेंगे। आप इसको गाढ़ा अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन इमली की चटनी थोड़ी सी पतली अच्छी लगती है क्योंकि फिर वो चीज़ों पे स्प्रेड आसानी से हो जाती है। इसमें मौजूद घी सौंठ और काला नमक इसको हाजिम बनाएगा और टेस्ट भी देगा। के पानी में बॉयल आने लगा है तो हम इसमें बारी बारी तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें ये जाएगा काला नमक, सौंठ, लाल मिर्च पाउडर और जीरा। आप मिर्च अपने हिसाब से तेज और कम भी कर सकते हैं और ये नॉर्मल सॉल्ट। अच्छा, इमली की चटनी लोग बनाते हैं लेकिन उनकी ज़्यादातर कंप्लेन ये होती है कि ये फ्रिज में भी ज़्यादा अर्से रहती नहीं है, 15-20 दिन से ज़्यादा। तो आप इसको एयरटाइट जार में करके आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। फ्रीज़र में ये बिल्कुल भी नहीं जमेगी क्योंकि इमली जमती नहीं है, और जब आप इसको निकालेंगे तो ये 10 मिनट में बिल्कुल अपनी नॉर्मल उसमें आ जाएगी। और इसके साथ ही हम इसमें गुड़ भी डाल देंगे। ये गुड़ मेरे पास 1 कप के करीब है। आप इसमें नॉर्मल शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गुड़ का इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब इसमें ये गुड़ घुल जाएगा तो इसमें ये इसकी ये और थोड़ा सा पतला होगा, इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे और फिर इसको हम अपने हिसाब से आपको जो इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है उसमें ये आप इसको कर लीजिए। अभी हमारे इमली का पल्प काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, ये देख लें आप इसको, इसको इतना गाढ़ा करना है क्योंकि अभी ये ठंडा होगा तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अगर आप इसको और पतला रखना चाहते हैं, चटनी को और थोड़ा सा पतला रखना चाहते हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला दें, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेहतर है और क्योंकि ठंडा करके ये और मज़ीद गाढ़ा होगा और फ्रिज में रखने के लिए ये 1 से 2 महीने तक ये फ्रिज में आराम से रह जाएगा, फ्रीज़र में और फ्रिज में भी 1 महीने तक रहेगा। अब हम इसको ठंडा करेंगे और इसको जार में भरेंगे। तो बहनों, ये चटनी तैयार है। अब आप इसको जार एयरटाइट जार में करके आप इसको 1 महीने 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। आप मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम